प्यारे बच्चों, कैसे हो? पढ़ाई चल रही है या नहीं चल रही है? जैसे कि आज का टॉपिक तो आपको पता ही होगा, हम आज बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन के और क्वेश्चंस की। हमारा टारगेट है टू फिनिश 100 क्वेश्चंस, ठीक है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन नंबर 41 से डिस्कस करने वाले हैं, बट प्लीज मेक श्योर कि उसके पहले के सारे क्वेश्चंस आपने किए हो, आपने वीडियो देखा हो, ठीक है, राइट, ओके। चलो तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं कि आज कितने क्वेश्चंस कर पाते हैं यहाँ पर। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि आज के इस वीडियो में मैं थोड़ा स्पीड में सारे क्वेश्चंस करने वाली हूँ। क्यों बोलो? क्यों? क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो में मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, क्वेश्चन के साथ ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो इसीलिए स्पेशली फर्स्ट सेकंड वीडियो देखना ना भूलें। उसमें बहुत ही बेसिक चीजें हमने डिस्कस की है, ठीक है, जो कि हमें अब हेल्प करने वाली है सारे क्वेश्चंस को करने के लिए, ठीक है। उसके बाद भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, ठीक है, हम लोग फिर उसको वहां पर डिस्कस कर सकते हैं। चलें तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम 41st क्वेश्चन। असर्शन एंड रीजन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का क्वेश्चन आ गया ना। पहला ही क्वेश्चन इतना इंटरेस्टिंग है, सोचोगे कि मैम इतना भयानक क्वेश्चन है और आप बोल रहे हो इंटरेस्टिंग है। चलो देखो इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं अपन। कैसे? असर्शन, कोरोजन ऑफ आयन इज व्हाट कॉमनली नोन एज रस्टिंग। हम सबको पता है कि आयन में जब कोरोजन होता है तो वो रस्ट बनाता है, ठीक है। रीजन, कोरोजन ऑफ आयन अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ वॉटर एंड एयर। ओके, देखो असर्शन तो एब्सोल्युटली करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है इसका, राइट, लेकिन रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कैसे? अब कोरोजन ऑफ आयन इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग, क्यों हो रहा है ये? बिकॉज अगर मैं आयन को एयर में रिएक्ट करवाती हूँ, ठीक है, एयर में छोड़ देती हूँ जहां पर अच्छा खासा मॉइस्चर कंटेंट है, चलो मुंबई की बात कर लो, मुंबई या चेन्नई में मैं आयन की ऐसे प्योर रॉड पे एकदम ऐसे ही छोड़ देती हूँ तो कोरोजन बहुत जल्दी होगा एज कम्पेयर टू बैंगलोर, है ना। चलो नहीं, अगर हम आयन को एयर में रखते हैं तो वो क्या करेगा, एयर में ऑक्सीजन से और वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाता है, आयन ऑक्साइड डॉट एक्स अमाउंट ऑफ वाटर। दैट मींस ये हमारा हाइड्रेटेड क्रिस्टल हो गया, हाइड्रेटेड क्रिस्टल ऑफ व्हाट, आयन ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, करेक्ट। तो अब इसको क्या, इसका एक कॉमन नेम है, इसको बोलते हैं रस्ट। ये ब्राउन कलर का होता है, इसको बोलते हैं रस्ट। एक बार ना क्या हो रहा था, मैं ऐसे ही सोसाइटी में वॉक कर रही थी और एक कोई डॉगी मतलब घूम रहा था अपने ओनर के साथ, राइट, तो मैंने ऐसे ही पूछा उनसे कि उसका नाम क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कि इसका नाम रस्टी है। रस्टी, मैंने बोला रस्टी कैसा नाम है, रस्टी क्यों है, तो बोलते वो रस्ट कलर का है ना इसलिए। तो चलो जस्ट इमेजिन कि जो ब्राउन कलर का होता है, रस्ट कलर का होता है, हम उसको रस्टी भी कह सकते हैं, ठीक है। सो आयन ऑक्साइड फेरिक ऑक्साइड डॉट XH2, इसका कॉमन नाम है, कॉमन नेम है रस्ट, ओके। इट इज नॉट बिकॉज कि ये रिएक्ट करता है वाटर और एयर से, ऐसा नहीं है, ठीक है, अंडरस्टूड माई पॉइंट, ठीक है। सो रीजन एंड असर्शन बोथ आर करेक्ट, बट रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो अब हमें ये वाला ऑप्शन कहाँ मिलेगा, ये वाला ऑप्शन हमारे पास है बी ऑप्शन में, रीजन एंड असर्शन बोथ आर करेक्ट बट इट इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन, राइट, ओके। चलो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और 42 क्वेश्चन। नाउ इन दिस 42 क्वेश्चन में अगेन असर्शन रीजन आ गया, जल्दी से देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। हाँ, फूड मटेरियल आर ऑफन पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, ठीक है, फूड मटेरियल आर ऑफन पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स, हाँ बात तो सही है। रीजन इज व्हाट, ऑक्सीडेशन रिजल्टिंग इन रिजिडिटी इज प्रिवेंटेड। तो देखो है तो दोनों ही चीजें करेक्ट है ना। यूजुअली फूड मटेरियल को क्या करते हैं, या तो उसको सील पैक करके रख देते हैं, ठीक है, अगर हम उसको सील पैक कर सकते हैं तो पैक करके रखते हैं, इसलिए वो मार्केट में फिर सेल हो जाता है, करेक्ट। अगर वैसा नहीं कर सकते तो घर पे हम क्या करते हैं, घर पे हम ट्राई करते हैं कि उसको एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें, जैसे ड्राई फ्रूट्स हैं या पिकल है, इनको हम एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करने की कोशिश करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि जो उनका ऑयल है वो एटमोस्फेयरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट ना करें, वो रेंजिट ना हो, है ना, रेंसिडिटी भी हमने अच्छे से डिस्कस किया है, करेक्ट। तो इसके लिए जो हमारा रीजन है वो एकदम सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है हमारे असर्शन के लिए।
ठीक है, फूड कंटेनर को एयरटाइट कंटेनर में, सॉरी फूड मटेरियल को एयरटाइट कंटेनर में पैक करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उसको रेंसिडिटी से बचाने के लिए, उसको खराब होने से बचाने के लिए, राइट। सो अब इसके अकॉर्डिंग करेक्ट ऑप्शन देखते हैं। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो दिस इज माई करेक्ट आंसर। करेक्ट हो गया। अच्छा, अगर एयरटाइट कंटेनर में पैक नहीं करना है, मान लो कि एयरटाइट कंटेनर में नहीं पैक करना है हमको, तो क्या करेंगे फिर? कौन सी गैस में पैक करते हैं? सोचो सोचो। जैसे लेज का चिप्स है, राइट, लेज का चिप्स पैकेट ले लो, बालाजी के चिप्स ले लो, वो एक पैकेट में पैक्ड आते हैं और उसमें मतलब जमाने की एयर भरी होती है और चिप्स होते हैं थोड़े से एकदम, होते हैं ना, ठीक है। तो जब मैं छोटी थी ना, तो आई यूज टू थिंक कि यार मतलब ये अंकल ने तो मुझे मतलब मुझे ऐसे उल्लू बना दिया, इतनी सी चिप्स दी और इतना बड़ा पैकेट दिया। पर अब मुझे समझ में आने लगा है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं, है ना, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। उसको रेंजिडिटी से बचाने के लिए उन पैकेट्स में, चिप्स के पैकेट्स में कौन सी गैस फिल करते हैं? नाइट्रोजन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल बिहेव एज एन इनर्ट गैस, ठीक है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। असर्शन, अ मैग्नीशियम रिबन बर्न विथ डिजलिंग फ्लेम, ओके, इन एयर एंड चेंजेस इंटू व्हाइट सब्सटेंस मैग्नीशियम ऑक्साइड। करेक्ट। रीजन इज व्हाट? इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हाँ, देखो जरा यहाँ पर एक बार, अभी मैं मैग्नीशियम को बर्न करती हूँ तो मैग्नीशियम क्या होगा? मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, कर ली, है ना। अभी क्या बना रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दिया इसने, बन गया, फ्लेम भी निकल गई, सब हो गया। डिकम्पोजिशन कहाँ हो रहा है बता दो जरा मुझे, कहीं दिख रहा है डिकम्पोजिशन? डिकम्पोजिशन मतलब ब्रेक डाउन ऑफ वन कंपाउंड, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, है ना। यहाँ पर ब्रेक डाउन तो हो नहीं रहा है, उसका उल्टा कॉम्बिनेशन हो रहा है ना। तो यहाँ पर क्या है? असर्शन तो ट्रू है, करेक्ट है, क्योंकि वो व्हाइट डिजलिंग सॉरी वो व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न करता है और एक व्हाइट कलर का कंपाउंड भी बनाता है, दैट इज ट्रू। बट ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं है, तो उसके हिसाब से करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए? देखो सी में क्या लिखा है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, सो दिस इज माई करेक्ट आंसर, है ना। चलो नेक्स्ट हम लोग 44 क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। असर्शन, फॉलोइंग रिएक्शन डिस्क्राइब द रस्टिंग ऑफ आयन। टाइपिस्ट भैया आपने यहां पर गड़बड़ कर दिया, रस्टिंग, रस्टिंग ऑफ आयन, ओके, एंड इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। सो रस्टिंग ऑफ आयन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रीजन इज व्हाट? द मेटालिक आयन ऑक्सीडाइजेस टू Fe3+ एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस टू O2-। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, चलो इसको एक बार हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लें। अब आयन जब रिएक्ट करता है एयर से, तो ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल दोनों ही होता है, राइट। अब इसने क्या बनाया? Fe2O3.XH2O, फाइन। तो अब यहां ध्यान दो, इस फॉर्मूले में आयन की वैलेंसी कितनी है? देखो आयन की वैलेंसी है 3+। मैंने पुराने एक वीडियो में, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड वीडियो में, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि इसका नाम होता है फेरिक ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि आयन की वैलेंसी यहाँ पर 3 है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आयन की वैलेंसी 3 है? जल्दी से एक बार यहाँ पर देख लो, आयन की वैलेंसी 3, ओके, बिकॉज इट इज 3+। ऑक्सीजन की वैलेंसी इज 2-, इट इज 2, ठीक है। ऑक्सीजन की वैलेंसी इज 2, राइट। सो वेन यू क्रॉस मल्टीप्लाई टू मेक द फॉर्मूला, ये क्या फॉर्मूला बनाएगा? ये यहाँ पर बनाएगा Fe2O3 बना रहे, आयन वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड ऑक्सीजन वुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3। तो फॉर्मूला नाउ वी हैव Fe2O3, करेक्ट, राइट। सो वेन एवर आयन वैलेंसी इज 3+, वी से दैट फेरिक कंपाउंड, फेरिक कंपाउंड। वेन एवर आयन वैलेंसी इज 2+, वी से फेरस कंपाउंड। गॉट इट? इतना क्लियर हुआ? तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयन की वैलेंसी इज 3+, ऑक्सीजन की वैलेंसी इज 2-, सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, डेफिनेटली रिडॉक्स रिएक्शन है। क्यों है? देखो यहाँ पर आयन ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया है ना। ऑक्सीजन इज कन्वर्टिंग फ्रॉम 0 to 2-, उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। सो गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? रिडक्शन। सो बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ द थिंग्स आर हैपनिंग इन दिस रिएक्शन, सो दिस इज व्हाट, दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। और फिर भी एक चीज तो माइंड में डाल लो कि रस्टिंग जो है वो रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान चल रहा है यहाँ पर, है ना। नाउ वो रिडॉक्स रिएक्शन क्यों है? बिकॉज आयन इज ऑक्सीडाइज्ड टू Fe3+, यस, राइट, एंड ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड, इट हैज गेन्ड इलेक्ट्रॉन टू O2-, डन। सो असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, और रीजन जो है ना वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, ठीक है। सो ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा,
देखो, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट असर्शन. डन, हो गया क्लियर? ओके बच्चों, तो चलो अब देखते हैं 45th क्वेश्चन. 45 क्वेश्चन क्या कहता है? असर्शन द रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस इज डिकम्पोज इन टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, दैट इज नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो हाँ, ये तो बिल्कुल करेक्ट है ना? हमने पूरा 10th में यही पढ़ा है. ओके चलो, सो रीजन इज व्हाट? द डिकम्पोजिशन कैन बी कैरिड आउट बाय गिविंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी एटसेट्रा. सो अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है. क्या ट्विस्ट आता है? हमारा रीजन बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैन बी कैरिड आउट बाय गिविंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. अच्छा, अब आप सब ये सोचोगे कि मैम, हमने तो ये पढ़ा है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैन बी कैरिड आउट बाय एब्सॉर्बिंग हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना? सो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है? दोनों टाइप की होती है. दे आर एंडोथर्मिक एज वेल एज एक्सोथर्मिक. मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एंडोथर्मिक. वो क्या करते हैं? लाइट, फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिल्वर क्लोराइड या फिर अपना NaCl सोल्यूशन, ये सब सोल्यूशन, इनको क्या होता है? इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, राइट? सो दे एब्सॉर्ब हीट, दे एब्सॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी एंड देन दे डिकम्पोज. फाइन, दिस इज डन. दिस इज द एग्जाम्पल्स ऑफ एंडोथर्मिक डिकम्पोजिशन, है ना? बट कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब ओजोन मॉलिक्यूल डिकम्पोज होता है टू फॉर्म ऑक्सीजन, है ना? ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन इज व्हाट? दैट इज आर एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन. ओके, दैट इज एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन. देन ब्रेकडाउन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, ब्रेकडाउन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल इज ऑल्सो व्हाट? दैट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना? So, हमारे रीजन में क्या दिया है? डिकम्पोजिशन कैन बी कैरिड आउट बाय गिविंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी. दैट इज ऑल्सो ट्रू, इट हैपन्स, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट? असर्शन तो बस जस्ट अ डेफिनेशन ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, राइट? है ना? बट ये हमारे रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है. रीजन असर्शन को सपोर्ट, या ये कहूं कि रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, करेक्ट? दिस इज रीजन इज वॉट? दिस इज जस्ट अ प्रॉपर्टी ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, है ना? चलो, तो इसके हिसाब से करेक्ट आंसर शुड बी बी, जहां पर असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट? असर्शन. गॉट इट? ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. 46th क्वेश्चन. व्हेन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन इज प्लेस्ड इन सनलाइट, हाइड्रोजन क्लोराइड इज फॉर्म. यस, वेरी गुड. जब आप हाइड्रोजन और क्लोरीन को सनलाइट में या डिफ्यूज सनलाइट में आप रखते हैं तो ये क्या बनाता है? HCl. फाइन, इट हैपन्स. ओके, सो ये क्या होता है? असर्शन तो ट्रू हो गया. फाइन, रीजन इज व्हाट? इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट? तो ये भी है जो हमारा रीजन, जो हमारा ये फॉर्मेशन ऑफ HCl है, दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? कॉम्बिनेशन रिएक्शन ना, करेक्ट? है ना? तो ये जो असर्शन है, ये क्या कर रहा है? ये हमारा रीजन जो है, ये हमारे असर्शन को पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा है, राइट? दैट हाइड्रोजन और क्लोरीन को आप जब भी सनलाइट में रखोगे, व्हाट विल हैपन? दे विल कंबाइन विद ईच अदर टू फॉर्म HCl. अंडरस्टूड माय पॉइंट, राइट? सो हियर असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ माई असर्शन. ए इज द करेक्ट आंसर. यस, गॉट इट? ओके चलो बच्चों, तो अब है हमारे पास एक अगेन न्यू टाइप के क्वेश्चन. पहले हमने असर्शन एंड रीजन करे थे अभी तक, राइट? अब हम करते हैं कॉम्प्रिहेंशन टाइप के क्वेश्चन. मतलब यहाँ पर क्या होगा, आपको एक केस स्टडी टाइप मिलेगा, एक पैराग्राफ मिलेगा जिसको आपको पूरा स्टडी करना है. उसके अकॉर्डिंग आपको मे बी 4 क्वेश्चन होंगे, 4 में से 3 क्वेश्चन आंसर करना होंगे, या हो सकता है कि पूरे 4 क्वेश्चन आंसर करना हो, राइट? उसके हिसाब से आपको, उस पैराग्राफ के हिसाब से आपको क्वेश्चन के आंसर करने होंगे, ठीक है? तो पहली चीज क्या दिमाग में रखना है, क्या आप लोग माइंड में रखेंगे कि पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है, ठीक है? पैराग्राफ को अच्छे से रीड करना है. चलो, तो अभी हम पैसेज 1 रीड करते हैं. ये क्या कहता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑलवेज अकर साइमल्टेनियसली. ये तो होता है. देखो, मैंने बताया था दोनों, एक रिएक्शन में दोनों चीजें होगी, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा, है ना? दीज रिएक्शंस व्हिच इन्वॉल्व साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दे आर कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शंस. ओके, सो दोज रिएक्शंस व्हिच आर इन्वॉल्व, व्हिच इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ, दे आर नोन एज रिडॉक्स रिएक्शन. डन, फाइन. देयरफॉर एवरी रिडॉक्स रिएक्शन इज मेड अप ऑफ व्हाट? 2 half equation, right? Yes, every redox reaction is made up of 2 half equation.
वन फर्स्ट हाफ इक्वेशन इज नोन एज ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड हाफ इक्वेशन इज नोन एज वॉट रिडक्शन. ओके सो दीज रिएक्शन आर मेडअप ऑफ वॉट टू हाफ इक्वेशन दैट वन हाफ रिएक्शन रिप्रेजेंट ऑक्सीडेशन एंड अनदर हाफ रिएक्शन रिप्रेजेंट वॉट इट रिप्रेजेंट रिडक्शन. Oxidation and reduction of an atom, molecule or ion, whatever you are using, okay, can also be defined in term of electrons. Yes, the substance that gains electron, the substance that gains electron is what is reduced, okay, to a lower oxidation state. That means, for example, oxygen. If oxygen gains electron, then what will happen? Oxidation number will become what? -2. Here it was 0. In elementary state, always oxidation number is 0. 0 hota hai, hai na? Aur jab hum usme electron gain karke negative state mein jane wale, jab wo negative ion banane wala hai hamara atom, to uska oxidation number kya hoga? -2. Got it? So 0 se -2 ho gaya. That means kya hua? Oxidation number reduce ho gaya. Hua na? Hai na? To aise condition mein jab कोई भी एटम कोई भी आयन अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है दैट मींस उसका ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है. गॉट इट? सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? रिडक्शन. करेक्ट. आई हैव टोल्ड यू इन लास्ट वीडियो एज वेल RIG रिक रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना. सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन. यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? डिक्रीज होता है. तो अलोंग विद दैट आई आल्सो कैन राइट हियर दैट ऑक्सीडेशन नंबर रिड्यूसेस. राइट? है ना? इतना क्लियर हो गया. चलो नेक्स्ट लाइन में देखते हैं व्हाट दे आर सेइंग टू अस. रिड्यूस टू लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट. फाइन. एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. यस. अब देखो रिडक्शन हो रहा है. द सब्सटेंस इज रिड्यूसिंग. राइट? दैट विल सर्व द पर्पस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. करेक्ट. दैट इज व्हाट? देन दैट इज अवर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. है ना? करेक्ट. इसका मतलब ये होता है द सब्सटेंस विच गेन्स इलेक्ट्रॉन दैट इज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सब्सटेंस विच इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन इज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ओके चलो. सिमिलरली द सब्सटेंस विच लूजेस इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? ऑक्सीडाइज टू हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट. यस. सब्सटेंस लूजेस इलेक्ट्रॉन. फॉर एग्जाम्पल सोडियम. इफ सोडियम इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन टू मेक सोडियम वन पॉजिटिव. क्या करा इसने? एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, दान में दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, किसी और को दे दिया, मान लो, है ना? तो अब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है इसने. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन ऑयल. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. दिस इज व्हाट? ऑक्सीडेशन. अब देखो यहां पर क्या हो रहा है. सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर वॉज जीरो. एज आई टोल्ड यू इन एलिमेंट्री स्टेट एंड इट्स न्यूट्रल एटॉमिक स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर वुड बी जीरो. है ना? अब इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? 1+. जितना चार्ज होता है ना आयन पे उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ये मान लो. ठीक है? तो सोडियम पे 1+ चार्ज है तो ऑक्सीडेशन नंबर इज +1. पे अटेंशन. ऑक्सीडेशन नंबर पर साइन होते हैं. ऑक्सीडेशन नंबर में नेगेटिव एंड पॉजिटिव साइंस होते हैं, वैलेंसी में साइंस नहीं होते. ओके. वैलेंसी इज जस्ट वॉट? द एबिलिटी और द टेंडेंसी टू गेन पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और टू लूज पर्टिकुलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट्स इट. नो साइंस. ओके चलो. सो यहां पर ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है. ओके. बिकॉज ऑफ व्हाट? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है इसलिए. अब ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये एलिमेंट कैसे वर्क करेगा? कैसे वर्क करेगा? सोचो थोड़ा सा. अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है किसी एलिमेंट का, दैट मीन्स दैट एलिमेंट इज सर्विंग द पर्पस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट. दैट एलिमेंट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट. समझ में आया? है ना? तो आई एम राइटिंग हियर रिड्यूसिंग एजेंट. डन. ओवर. करेक्ट. पैराग्राफ रीडिंग हो गया अच्छे से. अब क्वेश्चंस की बात करते हैं एक बार. इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन हाइड्रोजन परऑक्साइड इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट. अब यहां पर कौन सी रिएक्शन है जहां पर हाइड्रोजन परऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट के जैसे काम कर रहा है? ठीक है? तो उसके लिए अगर मैं देखूं यहां पर, तो आयन क्लोराइड में HCl एंड देन हाइड्रोजन परऑक्साइड. हाइड्रोजन परऑक्साइड इज कन्वर्टिंग इनटू वाटर. अब पहले मेरी बात सुनो. H2O2 is converting into what? H2O. अब देखो क्या हो रहा है. लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया ना. लॉस ऑफ ऑक्सीजन हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? रिडक्शन हो गया. लॉस ऑफ ऑक्सीजन. तो मैं बोल सकती हूँ कि रिडक्शन हो गया यहां पर. तो रिडक्शन. अब रिडक्शन हुआ है अगर हाइड्रोजन परऑक्साइड का, तो फिर ये कैसा हो गया? ये क्या कंपाउंड है? फिर ये कैसे काम कर रहा है इस रिएक्शन में हमारे लिए? एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम कर रहा है.
क्लियर हो गया ये भी, है ना। तो फर्स्ट रिएक्शन में तो है नहीं, हमको तो रिड्यूसिंग एजेंट वाला चाहिए था हाइड्रोजन परऑक्साइड। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं, Cl2 plus H2O2 converts, it convert into HCl and O2. अब यहां पर एक ट्विस्ट है, देखो H2O2 is converting into O2, करेक्ट। अब यहां पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, कह सकती हूँ ना, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज वॉट, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज योर ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज वॉट, ऑक्सीडेशन। अब ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है हाइड्रोजन परऑक्साइड का, तो फिर ये कैसे काम करेगा, लाइक व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड इन आर रिएक्शन, इट इज सर्विंग द पर्पस ऑफ व्हाट, रिड्यूसिंग एजेंट, इट इज एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर हो गया, तो इसके हिसाब से सेकेंड आंसर बी आंसर शुड बी करेक्ट, हियर H2O2 इज वर्किंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, करेक्ट। देखो अब एक बार नेक्स्ट देख लेते हैं फिर से, HI react with H2O2, converts into H2 and iodine. Okay, again H2O2 is converting into water, right? So now here it is oxidizing agent. ये हमारा आंसर नहीं है, of course नहीं है, पता चल के आंसर तो वैसे भी मिल गया ना हम लोगों को, ठीक है। देखो इन फोर्थ रिएक्शन ऑल्सो H2O2 इज कन्वर्टिंग इन टू H2O, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है ना, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट तो हो नहीं सकता फिर से, समझ में आया। 47th का करेक्ट आंसर है बी। चलो जल्दी से 48 क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। इन अ रिएक्शन H2S एंड H2O2, ओके, यहां पर H2O2 कन्वर्ट होता है वाटर में और H2S इज कन्वर्टिंग इनटू सल्फर, इंडिकेट्स दैट व्हाट, इंडिकेट्स दैट, अरे बाबा अभी तो इतना सारा हम लोगों ने डिस्कस किया, तो यहां पर H2O2 जो है वो उसका क्या हो रहा है, इट इज लूजिंग ऑक्सीजन, दैट मीन्स व्हाट, रिडक्शन, दैट मीन्स इट इज आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, रिडक्शन। तो यहां पर H2O2 कैसे काम कर रहा है, H2O2 is an oxidizing agent, right? ठीक है, अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ H2O2। हाँ देखो अगेन ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ H2O2, H2O2 तो शो ही कर रहा है ऑक्सीडाइजिंग एक्शन हमको, करेक्ट। सो करेक्ट आंसर शुड बी व्हाट, ए, राइट, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ H2O2। एक बार रुको, बी सी एंड डी ऑप्शन भी देख लेते हैं, रिड्यूसिंग नेचर ऑफ H2O2, नहीं रिड्यूसिंग नेचर नहीं, रिड्यूसिंग नेचर और ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, वो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर मतलब वो सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, समझ में आया, इतना क्लियर हुआ, ठीक है। अब एसिडिक नेचर और अल्कलाइन नेचर का तो यहाँ पे भी क्वेश्चन ही नहीं है, बिकॉज अभी यहाँ पर हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं आ रहा है ना, सॉल्ट और वाटर भी नहीं बना है, ठीक है। चलो सो नेक्स्ट हमारे पास में है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पैराग्राफ इज, इन एसिडिक मीडियम Mn+7 चेंजेस टू Mn2+, ओके, इट इज ऑक्सीडेशन बाय 3 इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन बाय 5 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन बाय 5 इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन बाय 3 इलेक्ट्रॉन। अब तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद से सॉल्व करना होगा, खुद से देखो क्या होगा, मैं नहीं बताने वाली हूँ, ठीक है, सोचो क्या होगा, वीडियो को पॉज करो और अभी सोचो, मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा, मुझे बताना ही पड़ेगा, है ना, मैंने जिम्मा उठाया है सारे क्वेश्चन करने का। चलो देखो, तो Mn7+ इन एसिडिक मीडियम एक केमिकल रिएक्शन है, जहां पर ठीक है वो एसिडिक मीडियम में हो रही है, उस रिएक्शन में क्या हो रहा है, मैंगनीज जो है उसका वो आयोनिक स्टेट में है +7, ठीक है। अब उसने क्या करा, वो कन्वर्ट हो रहा है Mn+2 में, तो +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, ये क्या बताता है हमको, ये जो चीज, ये रिएक्शन मैंने लिखी है आपको क्या बता रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इस मैंगनीज +7 आयोन ने कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, ठीक है, कुछ इलेक्ट्रॉन ले लिए हैं, कितने लिए हैं भाई इसने, तो मैं बोलूं इसने कितने इलेक्ट्रॉन लिए, इसने 5 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं, देखो 5 नेगेटिव साइन विल न्यूट्रलाइज द 5 पॉजिटिव साइन, करेक्ट, तो फिर कितना पॉजिटिव साइन रिमेनिंग रहेगा, 2 पॉजिटिव रहेगा ना, राइट, हमारे पास 7 पॉजिटिव आयन था, अब 5 इलेक्ट्रॉन्स ले लिए तो कितने हो जाएंगे वो, अब 2 पॉजिटिव बचेगा, करेक्ट, मैंगनीज पर, तो अगेन क्या हुआ इस प्रोसेस में, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन, रिडक्शन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन लिए, 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो कौन सा ऑप्शन फिट हो रहा है, रिडक्शन बाय 5 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, देखो डी ऑप्शन में भी लिखा है रिडक्शन बाय 3 इलेक्ट्रॉन्स, बट 3 तो नहीं लिए ना हमने, 5 लिया ना हमारे मैगनीज में,
फाइव इलेक्ट्रॉन लिए हैं हमारे मैंगनीज ने, तो फिर क्या हो जाएगा, रिडक्शन बाय फाइव इलेक्ट्रॉन्स, है ना। चलो बढ़िया, इसी तरह फिर हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज हमने 49 क्वेश्चन किए, 50 नहीं किए हैं, क्योंकि पैराग्राफ के सारे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गए हैं, है ना। अभी नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट करने वाले हैं, पैराग्राफ 2, ठीक है। चलो, सो देखना नहीं भूलना, और आप इसको बुकमार्क कर लो वीडियोस को, ताकि जब भी आपको स्टडी करना हो ये वीडियोस आपके लिए अवेलेबल रहे। जब भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करना हो तो आप फटाफट ये वीडियो में से क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, ठीक है। चलो बाय बाय गाइस, एंजॉय, ऑल द बेस्ट।